हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स के बारे में। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज करते हैं, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या अंग्रेजी चलेगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। तो फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट की, आप ही अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं फेरोनोमिक प्लस टैबलेट, जो कि हमारे पास 10 वाली का स्ट्रिप्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी एमआरपी 409। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स को ला रेनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं लैक्टोफेरिन 50 mg, डाइसोडियम्स गुआनोसिंस 5-मोनोफॉस्फेट्स 5 mg, एलिमेंटल आयरन्स FBG 27 mg एंड फोलिक एसिड्स 200 mcg टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। फेरोनोमिक प्लस टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल ये टेबलेट्स एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जो कि हेल्प करती है एनीमा में और अदर रिलेटेड कंडीशन प्रेगनेंट्स और लैक्टेटिंग वुमेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबलेट्स के अंदर जो लैक्टोफेरिन होता है जो कि हेल्प करता है रेगुलेट करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में यानी कि इंटेस्टाइन में और ये हेल्प करता है डिलीवरी में। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स का इस्तेमाल से ये हेल्प करता है मेंटेन करता है आयरन एंड फोलेट रेजोस में। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स का डोज सोल्यूशन की बात करें तो उसका डोज सोल्यूशन आपकी एज वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज सोल्यूशन कितना होना चाहिए और इसका डोज सोल्यूशन अपने डॉक्टर की देरी में इस्तेमाल करिए। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है आपको डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्टमक अपसेट होना, ब्लैक स्टोल्स होना, फीलिंग सिक्स होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताइए, अदर पर डिस्कशन में मिलर दिए वहाँ पर बताइए। फेरोनोमिक प्लस टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज लिए था। कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।